और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के युवा सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू का 2019 का पहला मूवी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर दिया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं काफी दिन से पेंडिंग पड़ी अरविंद अकेला कल्लू की फिल्म जवानी के रेल कहीं छूट ना जाए। आखिरकार भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया और फिल्म को बिहार झारखंड के साथ साथ मुंबई गुजरात और नेपाल के सिनेमाघरों में फिल्म को रिलीज किया गया। आपको बता दें कि जवानी के रेल कहीं छूट ना जाए को बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को शानदार ओपनिंग मिली है। हालांकि आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट की खबर कुछ अच्छी नहीं आ रही है। आपको बता दें कि जवानी के रेल कहीं छूट ना जाए बिहार और झारखंड के सिनेमाघरों में करीब 25 से ज्यादा सेंटर पर फिल्म को रिलीज किया गया और सभी सिनेमाघरों में लगभग शानदार ही ओपनिंग मिली है। आपको बता दें कि अरविंद अकेला कल्लू इस फिल्म में जहां जोरदार एक्शन करते हुए नजर आते हैं जो दर्शकों को काफी ज्यादा रोमांचित करता है, तो वहीं फिल्म में अरविंद अकेला कल्लू तनुश्री के साथ जोरदार रोमांस करते हुए पर्दे पर नजर आते हैं जो दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है। ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक अरविंद अकेला कल्लू का जवानी के रेल कहीं छूट ना जाए नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाकर अरविंद अकेला कल्लू का जवानी के रेल कहीं छूट ना जाए जरूर देखें। और जिन लोगों ने फिल्म को देखा है वो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको अरविंद अकेला कल्लू का रोमांटिक और एक्शन पैक अंदाज कैसा लग रहा है उनकी फिल्म जवानी के रेल कहीं छूट ना जाए में। आपको बता दें कि इस फिल्म में अरविंद अकेला कल्लू के साथ तनुश्री, आनंद मोहन, नीलम पांडे, अनिल यादव जैसे मजे हुए कलाकार फिल्म में नजर आते हैं।